उत्तर प्रदेश के तेल बाजार में सरसों के तेल में उलटफेर का दौर जारी है। मार्च के शुरुआती दौर में तगड़ी गिरावट के बाद एक बार फिर सरसों के तेल के भाव 2 रुपए की गिरावट उसमें दर्ज की गई है। आज 3 मार्च को सरसों का तेल 160 रुपए प्रति लीटर पर खुला है। बता दें कि मार्च के पहले 2 दिन यूपी के वायदा बाजार में सरसों का तेल 162 रुपए प्रति लीटर था। हालांकि कुछ महीने पहले ही यूपी में सरसों का तेल 210 रुपए तक पहुंच गया था। उसके मुकाबले 3 मार्च को सरसों के तेल का भाव पूरे 50 रुपए कम है, जबकि पिछले महीने फरवरी की बात करें तो सरसों का तेल 150 रुपए के न्यूनतम स्तर और 171 रुपए के अधिकतम स्तर पर पहुंचा था। वायदा बाजार के जानकारों का दावा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते महंगाई की मार पड़ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग के कारण बाजार में काफी चीजों के दाम एकाएक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण खाद्य पदार्थों पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। इस कारण तेल तिलहन के बाजार में सरसों तेल के रेट में पहले के मुकाबले काफी तेजी देखने को मिल रही है। यूपी के तेल बाजार में सरसों के तेल के अधिकतम रेट की बात की जाए तो फिलहाल सरसों का तेल 170 रुपए के नीचे है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के इसके आसार हैं। हालांकि उसके बाद तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।